हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सौरभ द सीजीपीएससी कोच के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, कंप्यूटर की आज हमारी पांचवी क्लास है ना। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, कंप्यूटर की हमने पीढ़ियों के बारे में जाना था, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हमने देखा था और उस पर मैंने आप लोगों को सारा कुछ डिटेल में तो बताया ही था। साथ में मैंने आपको दो ऐसी ट्रिक भी बताई थी कि यदि आपसे ईयर पूछ लेता है तो ईयर में आप किसी भी जनरेशन का आप ईयर तुरंत निकाल के बता देंगे और साथ में कौन सा हार्डवेयर किस जनरेशन में यूज किया गया है उसके लिए भी मैंने आप लोगों को एक बहुत ही शानदार ट्रिक बताई थी VTIMP करके। तो ठीक है, तो चलिए जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसको मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल समराइज में मैं तुरंत बताता हूँ और उसके बाद आज जो हम क्लास में पढ़ने वाले हैं, आज का हमारा टॉपिक क्या है, टाइप ऑफ कंप्यूटर। आज हम कंप्यूटर के प्रकार पढ़ेंगे जो जनरली आप देखते हैं ना, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर क्या होता है। सुपर कंप्यूटर से लगभग लगभग हर साल व्यापम का कोई सा भी एग्जाम क्यों ना हो वहां से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही है। सुपर कंप्यूटर व्यापम का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, वहां से एक क्वेश्चन वो हर साल निकालता है। तो ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर को देखेंगे, एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, हाइब्रिड क्या होता है, डिजिटल क्या होता है, जितने भी वैरायटी के जितने भी टाइप्स के हमारे कंप्यूटर होते हैं सारे के सारे टाइप्स आज हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और साथ में मैं आप लोगों को इस तरीके से उसमें कुछ ऐसी ट्रिक्स भी बताऊंगा कि याद करने में आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, लंबे समय तक आप चीजों को अपने माइंड में रख सकेंगे। तो आइए हम आज देखते हैं सबसे पहले क्या, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसका एक ओवरव्यू लेते हैं। देखिएगा, देखिए हमने क्या देखा था, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, ये आपका हो गया थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और ये लास्ट में क्या, फिफ्थ जनरेशन। हमने देखा था कि कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां होती हैं, पांच पीढ़ियों, फाइव जनरेशन में कंप्यूटर को डिवाइड किया गया है। बात कर लेते हैं क्या उनके ईयर की, कि किस किस सन के बीच में कौन कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर्स आते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि 1942 आपको बस केवल एक साल ये याद रखना है, 1942। इसके बाद करना क्या है, 12 से 10 साल का गैप आपको पकड़ना है। क्यों? क्योंकि ये जो आपका टाइम पीरियड है ना, ये निर्धारित नहीं है, ये फिक्स नहीं है, ये आसपास के करीब करीब के लिया गया है, 1945 से लेके 1955 के एक करीब का समय लिया गया है, ये फिक्स टाइम पीरियड नहीं है। तो हमको क्या पकड़ना है, 12 से 10 साल का गैप पकड़ना है, 1942 बस हमको याद रखना है। 1942 से आप 12 साल आगे बढ़ोगे तो कितना हो गया, 1954 हो गया। 1955 से आप आगे बढ़ोगे, 1955 से बढ़ोगे तो 1965 हो गया। 1965 से आप इधर आगे बढ़ोगे, 66 से पहुंचोगे तो ये क्या हो गया, आपका 1976 हो गया। और इधर आप 1976 से आगे बढ़ोगे तो 1986, मैंने आपको क्या बताया था, 1986 को ना लेके 90 के थोड़ा पास लाके छोड़ देना है, मतलब कितना, 1989 पे लाके इसको आपको छोड़ देना है। और यहाँ क्या, 1989 लिया था और आप बताओ इसके आगे क्या होगा, क्या लिखूं इसके आगे, कौन सा ईयर लिखूं। तो ये वर्तमान तक, जो आज वर्तमान में कंप्यूटर यूज कर रहे हैं ना, तो ये क्या हो गया, वर्तमान, टिल डेट। तो ये क्या हो गया, सिर्फ 1982 पकड़ना है, 1942 पकड़ना है, 1942 को पकड़ना है और बस 12 से 10 साल का गैप आपको मोटा मोटी लेके चलना है तो ये आपका ईयर निकल जाएगा। जनरली नहीं पूछता है लेकिन हमको तो याद हो गया, पूछ लेगा, कठिन क्वेश्चन बना दिया तो हमसे बन नहीं बनना है। इसके बाद में क्या सबसे इंपॉर्टेंट था, इसमें समझना कि आप कौन सा इसमें हार्डवेयर यूज कर रहे हैं, कौन सा हार्डवेयर आप यहाँ यूज कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताइए दोस्तों कल क्या ट्रिक बताई थी, मैं आपको बताया था क्या करना है, एक ट्रिक है VTIMP, क्या VTIMP लिखो भाई, पहले वाले में वी छापो, दूसरे वाले में टी छापो, तीसरे वाले में आई छापो, चौथे वाले में MP। अब आपका उत्तर पांचवें वाले पे, बताया था कल आपको भाई पांचवे वाले में क्या, वर्तमान में क्या यूज कर रहे हो आप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हर चीज में क्या है, AI। तो लिख दो यहाँ पास क्या आपका, AI। अब V से क्या है, तो V से हो जाएगा वैक्यूम, V से क्या हो जाएगा, वैक्यूम, वैक्यूम ट्यूब, ये आपने देखा था। इसके बाद में T से क्या हो जाएगा, T से हो जाएगा ट्रांजिस्टर, ये आपने देखा था। इसके बाद में ये क्या है, I से क्या है, IC चिप, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड, आई होगा इंटीग्रेटेड सर्किट, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट।
थोड़ा गला ठीक नहीं है तो फ्रेंड्स थोड़ा सा आप लोग मैनेज करिएगा, है ना। मुझे भी अभी भी सर्दी खांसी, मैंने आपको बताया था ना लास्ट मंथ तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं आप लोगों के लिए क्लास ब्रेक ना हो इसलिए कंटिन्यूटी बनी रहे। गला अभी भी मेरा काफ़ी ख़राब है, इतनी गर्मी पड़ रही है फिर भी मैं गर्म पानी पी रहा हूँ ताकि गला ठीक रहे। तो देखिए, और ये एमपी से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइक्रो प्रोसेसर, ये आपका हो गया माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। और ये ए से क्या हो जाएगा आपका आर्टिफिशियल, एआई से क्या हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हमने ईयर और उसमें जो हार्डवेयर यूज होते हैं वो हमने देख लिया, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या था यहां से दोस्तों समझना, सबसे इंपॉर्टेंट याद करना क्या था कि देखिए आपको क्या पकड़ना है, वैक्यूम ये तो आपने याद कर लिया। आप देखो दूसरी जनरेशन में, दूसरी पीढ़ी में क्या है, ट्रांजिस्टर है, और तीसरी पीढ़ी में क्या है, आईसी है। और कल मैंने आपको बताया था ये जो आईसी बन रही है, ये जो आईसी, अब देखिए अब मैं टेबल को नहीं भर रहा हूं ना, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो यहां पास आप देखिएगा ना, जो आपका क्या है, ये ट्रांजिस्टर है आपका, है ना, ये ट्रांजिस्टर है, और ये क्या है, आईसी है, ये क्या है, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ये जो आईसी चिप है ना, जो आईसी चिप है ये बहुत सारे क्या है, बहुत सारे ट्रांजिस्टर से मिलके बनी है, बहुत सारे ट्रांजिस्टर से मिलके बनी है। और जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप की जो क्षमता होती है, आईसी चिप की जो क्षमता होती है, प्रोसेसिंग क्षमता होती है आईसी चिप की, वो किस पे डिपेंड करती है, हमारा आईसी किससे बना है, बहुत सारे ट्रांजिस्टर से मिलके बना है। तो इसका आंसर होगा नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर, आईसी की जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी होती है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर कितने उसमें यूज किए गए हैं, जितने नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर उसमें यूज किए गए हैं उसकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। पहला तो ये हो गया, फिर दूसरा कल मैं आपको कुछ बता रहा था वहां पास, मैं आपको आज और क्लियर करता हूं। देखिए जैसे ये आईसी है इंटीग्रेटेड सर्किट, तो इसके बहुत सारे रूप होते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट के बहुत सारे रूप होते हैं। किस आधार पर बहुत सारे रूप होते हैं, तो देखो इसको हम क्या बोलते हैं, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, SSI, स्मॉल, ये आपको विजिबल नहीं होगा, ये क्या है आईसी का क्या होता है, एक होता है SSI, इसको हम क्या बोलते हैं, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, मतलब स्मॉल स्केल, कम मात्रा में इसमें क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है आईसी का। फिर इसी का एक आईसी का एक और होता है, इसको हम बोलते हैं क्या, आपका मीडियम, ये होता है MSI, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम पहले हमने आईसी किससे बनाया, बहुत सारे ट्रांजिस्टर से मिला के बनाया, अब क्या कर रहे हैं कि अब हम आईसी बना लिए, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि बहुत सारे आईसी का ग्रुप बना रहे हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट का, बहुत सारे इंटीग्रेटेड सर्किट का हम क्या बना रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं। तो यहां पास ये SSI क्या है, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, इसमें हम क्या करते हैं कि बहुत सारे आईसी, पर किस मात्रा में, स्मॉल। फिर दूसरा क्या हो गया, MSI, मीडियम स्केल। इसके बाद में एक आता है LSI, इसको हम क्या बोलते हैं, लार्ज स्केल। धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, हम एक समूह बना रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं आईसी का। तो पहले स्मॉल था, फिर मीडियम था, फिर लार्ज, और ज्यादा बढ़ा दिए। अब देखो लार्ज के बाद में क्या जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका वेरी लार्ज, VLSI, ये हो जाएगा आपका VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, क्या हो गया, VLSI। और इसके बाद में क्या हो जाएगा, एक और आता है, उसको हम बोलते हैं ULSI, वेरी अल्ट्रा लार्ज, VLSI क्या था, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछता है, ठीक है, ये आप देखिएगा, विजिबल हो रहा है ना आप लोगों को, ये दिखाई दे रहा है ना, हाँ जी। तो ये क्या हो गया, VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और इसके बाद में ये क्या है, ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो ध्यान रखिएगा, यहां से एक बात को समझिएगा, ये तो आईसी हो गया, अब हमने क्या किया, इस आईसी से नई पीढ़ी में बढ़ रहे हैं, तो आपका क्या है, ये माइक्रो प्रोसेसर है, ये क्या हो गया आपका, माइक्रो प्रोसेसर हो गया। तो माइक्रो प्रोसेसर का मतलब क्या हो रहा है, देखो हमने पहले आईसी बनाया, पहले ट्रांजिस्टर बनाया, और बहुत सारे ट्रांजिस्टर से हमने क्या बनाया, आईसी बनाया। अब हमने आईसी बना लिया, तो अब हम क्या कर रहे हैं, उसके भी बहुत सारे आईसी का ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं। तो इस बहुत सारे जब आईसी का हमने ग्रुप क्रिएट किया और हम अगली पीढ़ी की ओर आगे बढ़े, तो कहां पहुंच गए, माइक्रो प्रोसेसर में पहुंच गए। तो माइक्रो प्रोसेसर का मतलब क्या होगा, ये क्या है, माइक्रो प्रोसेसर को हम बोलते हैं VLSI, ये VLSI के अंतर्गत आता है। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या है, अपने आप में एक वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, किसका, आईसी का। इसके बाद में हम किस पे आ रहे हैं, चौथी से पांचवी पीढ़ी पे आ रहे हैं, तो यहां हम बोलते हैं ULSI, यहां हम क्या बोलते हैं, ULSI, मतलब ये वेरी लार्ज था, तो ये क्या हो गया, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो ये क्या हो गया, आपके हार्डवेयर हो गए।
तो माइक्रो प्रोसेसर को आप यदि आपको एग्जाम में माइक्रो प्रोसेसर नहीं देगा, पूछेगा कि चौथी पीढ़ी में हार्डवेयर क्या था, तो आप टिक मार के आओगे वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। यदि आपको AI नहीं दिया तो आपका टिक मार के आओगे ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारे हार्डवेयर हो गए। इसके बाद कल मैंने आपको बताया था कि ट्रांजिस्टर की खोज किसने की थी, ट्रांजिस्टर की खोज जैसी हमने मैंने आपको ट्रिक बताई थी ना कि ट्रांजिस्टर को छुए और मारा करंट, तो हमने क्या बोला, शॉकले। तो क्या है, विलियम शॉकले। इसके बाद में ये ट्रांजिस्टर किससे बनता है, तो ये बनता है सिलिकॉन से, ये भी मैंने आपको बताया था। इसके बाद में आप बताइए IC, तो IC को किसने बनाया था, तो मैंने आपको उसकी ट्रिक बताई थी ना कि ऐसी नया जैकेट ली। तो क्या हो जाएगा, ऐसी से क्या आईसी, नया से क्या नुई, और जैकेट ली से क्या जैक किल्वी। तो क्या हो जाएगा, किसने बनाया था, तो आप बताओगे दो साइंटिस्ट थे, एक नुई और दूसरे क्या थे, जैक किल्वी। अच्छा, अब आप बताइए मेरे को चौथे में माइक्रो प्रोसेसर, तो विश्व का सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर का नाम हमने क्या देखा था, विश्व का सबसे पहला जो माइक्रो प्रोसेसर था उसका नाम क्या था, इंटेल 4004। ये क्या था आपका, विश्व का सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर था। इसके बाद में हमने क्या देखा था कि तीसरी पीढ़ी की क्या खासियत थी, तीसरी पीढ़ी में पहली बार ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च किया गया था, और इसके बाद में क्या था, दूसरी पीढ़ी में क्या देखा था आपने, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देखा था PDP 8 करके कंप्यूटर था, ये दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में आता है PDP 8, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम डाटा प्रोसेसर, PDP का फुल फॉर्म। ठीक है, तो यहां इस प्रकार से हमने क्या किया था, ये तो मैंने आपको एक समराइज वे में मैंने आपको बताया, लास्ट क्लास में मैंने आपको बहुत डिटेल में ये पढ़ाया था सारा कुछ, पर जो इंपॉर्टेंट था तो इसलिए मैंने आपको रिकॉल किया ताकि आप इसको इस तरह से रिकॉल कर सको एग्जाम में। तो मुझे लगता है कि अब आप लोग को किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होगा, आपसे एक क्वेश्चन यदि मान लो कि बहुत टफ क्वेश्चन निकालना चाहे, घुमा फिरा के आपसे पूछना चाहे कि बताइए दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में आने की ओर कौन सा हार्डवेयर जिम्मेदार था, किस हार्डवेयर की महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो बताओ कि दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में आपको कौन सा हार्डवेयर लेके आया है। दूसरी पीढ़ी में तो ट्रांजिस्टर है, तो तीसरी पीढ़ी में कौन खींच के लाया है इसको, आईसी। तो कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में स्विच होने में जो जिम्मेदार हार्डवेयर है, जिस हार्डवेयर की महत्वपूर्ण भूमिका है, वो क्या है आपका, आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो चलिए दोस्तों, ये लास्ट क्लास का मैंने आप लोगों को समरी करके पूरा बताया, मुझे उम्मीद होगी कि अब आप लोग को जनरेशन से क्वेश्चन पूछेगा तो एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटने वाला। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो ये मैंने आपका क्लियर किया। चलिए अब हम आज की अपनी क्लास में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज की हमारी क्लास में क्या है। देखिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, कंप्यूटर के प्रकार, टाइप ऑफ कंप्यूटर। तो ये किस किस आधार पे होते हैं, देखिए इसका पहला आधार क्या है, डाटा प्रोसेसिंग के आधार पर, अर्थात जो हमको कंप्यूटर से डाटा प्रोसेस करवाना है। डाटा प्रोसेस करवाने का मतलब क्या होता है कि हम कंप्यूटर में कुछ इनपुट दे रहे होंगे, तो वो इनपुट क्या होता है, डाटा होता है। मैंने आपको अपनी पहली क्लास में बताया था कि डाटा क्या होता है, हम कुछ इनपुट देते हैं और वो डाटा कैसा होता है, अव्यवस्थित डाटा होता है, अव्यवस्थित रॉ फैक्ट्स होते हैं। तो डाटा प्रोसेसिंग के आधार पर पहला जो हम कंप्यूटर के टाइप्स को डिवाइड कर रहे हैं, कंप्यूटर को टाइप्स को क्लासिफाई कर रहे हैं, उसको वर्गीकृत कर रहे हैं, तो किन आधारों पे कर रहे हैं, पहला है डाटा प्रोसेसिंग के आधार पर, और दूसरा क्या है हमारा, उद्देश्य और आकार के आधार पर। हमारा पर्पस क्या है, उद्देश्य के आधार पर और आकार के आधार पर। तो डाटा प्रोसेसिंग के आधार पर देखोगे तो हमारे पास में तीन कंप्यूटर आते हैं। पहला आता है एनालॉग कंप्यूटर, क्या आता है, पहला हमारा आता है एनालॉग, इसको क्या बोलते हैं, एनालॉग। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा, डिजिटल कंप्यूटर, और तीसरा क्या है आपका, हाइब्रिड। ये हो क्या होगी आपका, हाइब्रिड। अब एक चीज पकड़ना दोस्तों, मैं आपको आज एक ऐसी ट्रिक बता रहा हूं, इसको दिमाग में आप बिल्कुल छाप के रखना। कंप्यूटर में जो 25 नंबर, जो 30 नंबर का हमारा कंप्यूटर आने वाला है, इसमें कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ना हमने कभी पढ़े हैं ना हमने कभी सुने हैं, और ऐसे क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे भी, पक्का तय है 100%। तो उसको आप कैसे सॉल्व करोगे, तो जब कभी ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ना कभी आपने इसके बारे में पढ़ा है ना सुना है, और सुना भी है तो एक आध बार आपके कान में टकरा गया है, कोई आपको उसका आइडिया नहीं है, बिल्कुल नया क्वेश्चन है, तो पता है आपको उसका आंसर क्या लेना है। जो क्वेश्चन में आपसे कुछ जिस डिवाइस के बारे में पूछ रहा है, या कोई ऐसा एक मेन वर्ड आपको दिया हुआ है, कुछ भी पूछता है, जैसे अभी आपका जो एक एग्जाम हुआ था सहकारिता का,
उसमें पूछ लिया था कि अल्टा विस्टा का अर्थ क्या होता है, शब्द का अर्थ क्या है, तो उसमें आपको ना एक ऐसा ऑप्शन दे दिया था कि जो आपकी आंखों में गड़ गया था कि विशेष उद्देश्य के लिए बनाया गया था, कुछ करके उसका ऑप्शन दिया था। तो आपको वहां पर क्या करना है ना, कुछ फैंसी आंसर नहीं लेना है, बिल्कुल देखो कंप्यूटर की जो शब्दावली होती है ना, कंप्यूटर को बनाया किसने है, इंसान ने, किस लिए बनाया है, अपने काम को आसान करने के लिए। तो जो कंप्यूटर की जो शब्दावली होगी, कंप्यूटर में जो यूज होने वाले वर्ड्स होंगे, जो टर्म्स होंगे, वो इंसान के समझने वाले ही होंगे, नहीं तो फिर इंसान काम कैसे करेगा उनमें। जैसे क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या हमको समझ में आ रहा है कि कोई ऐसा सिस्टम है जो ऑपरेट करेगा किसी चीज को, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क, नेटवर्क तो क्या है कि नेटवर्क शब्द कंप्यूटर में नहीं बना है, नेटवर्क शब्द उसके पहले का बना हुआ है। तो कंप्यूटर में हम उन्हीं शब्द का प्रयोग करते हैं जो आम बोलचाल की भाषा में हम प्रयोग करते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा, कभी भी आपको एग्जाम में ऐसा प्रश्न मिल जाता है कि जो आपके लिए बिल्कुल नया है, तो उसके ऑप्शन में आपको वही आंसर को लेना है जो प्रश्न को, प्रश्न कुछ आपको एक वर्ड दिया होगा, कुछ टर्म दिया होगा, पूछ लेगा, जैसे आपको भी मैंने बताया अल्टा विस्टा, ऑप्शन में पढ़ना है, जो भी आपको बिल्कुल साधारण ऑप्शन लगे उसको टिक कर देना है, ठीक है। तो चलिए देखिए, डाटा प्रोसेसिंग के आधार पर, ये मैंने आपको कहानी क्यों बताई, डाटा प्रोसेसिंग, अब मैंने क्या बताया, ये एनालॉग, तो एनालॉग कंप्यूटर क्या करेगा, कौन सा डाटा प्रोसेस करेगा जो एनालॉग नेचर के होंगे। एनालॉग नेचर का मतलब क्या होता है, आपको आगे बताता हूं। जो डिजिटल कंप्यूटर होगा वो किस तरह का डाटा प्रोसेस करेगा, जिसका इनपुट, डाटा, डाटा का मतलब क्या होता है, डाटा का मतलब होता है हमारे द्वारा दिया गया इनपुट। तो इनपुट कैसा होगा, जो डिजिटल होगा उसको डिजिटल, डिजिटल कंप्यूटर सॉल्व करेगा। और हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, एनालॉग और, एनालॉग और डिजिटल को दोनों को मिला के बनता है हाइब्रिड। तो चलिए आइए पहले इसको हम समझते हैं डिटेल में। और दूसरा क्या बोल रहा है, उद्देश्य और आकार के आधार पर, हमारा उद्देश्य क्या है, क्या काम हम अपने कंप्यूटर से करवाना चाहते हैं। तो एक होता है विशेष उद्देश्य, पहला क्या होता है विशेष उद्देश्य, और एक होता है सामान्य उद्देश्य। विशेष, पहले देखिए सामान्य उद्देश्य क्या होता है, जैसे आपके, आप लोग के दो दोस्त हो, दोनों दोस्तों के पास में क्या है, डेस्कटॉप है या आपके पास में लैपटॉप है। डेस्कटॉप का मतलब क्या होता है, जो डेस्क पर रखा होता है, मैंने बताया ना कंप्यूटर के शब्द कैसे हैं उसी में उसका अर्थ होता है। डेस्कटॉप का मतलब क्या, जो डेस्क पे, डेस्क के टॉप पे रखा हुआ है। लैपटॉप का मतलब क्या होता है, लैप का मतलब होता है गोदी, हिंदी में इसको हम गोद बोलते हैं ना, बच्चे को गोद में बिठाते हैं, तो गोद का इंग्लिश क्या होता है, उसका होता है लैप। तो लैपटॉप हो गया मतलब गोदी में रखने वाला, गोदी में रख के जनरली हम बैठ के सॉल्व करते हैं ना, और जिनका बढ़िया पेट निकला होता है वो अपने पेट पे रख के सॉल्व करते हैं, देखा होगा मोटे लोगों को, अब बड़े बड़े जो कंपनी के वो रहते हैं उनका चश्मा ऐसे नीचे रहता है और अपने बड़े वक्र तुंड में ऐसे रख के सॉल्व करते रहते हैं, काम करते थे लैपटॉप में, बढ़िया यहाँ पास बर्गर रखा हुआ है, यहाँ पास बढ़िया बगल में बड़ा सा कोल्ड ड्रिंक रखा हुआ है, काम करते रहते हैं। तो लैपटॉप हो गया, तो एक हो गया सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य का मतलब क्या होता है कि दो दोस्तों के पास में लैपटॉप है, उसमें वो सामान काम करते हैं, वो भी पीडीएफ वाला काम कर रहा है, वर्ड में काम कर रहा है, एमएस एक्सेल में काम कर रहा है, मूवी देख रहा है, गेम खेल रहा है, मेरे पास में है तो मैं भी वही काम कर सकता हूं। पर आप ये बताओ कि क्या अपने लैपटॉप से भूकंप आने वाला है उसको आप रिएक्टर स्केल में नाप सकते हो, कब तूफान आने वाला है उसको आप नाप सकते हो, हमारा जो चंद्रयान है उसकी एक्टिविटी क्या है उसको आप देख सकते हो, है ना, मौसम अगले 7 दिनों में कैसा रहने वाला है क्या आप उसको देख सकते हो, नहीं देख सकते। हमारा कंप्यूटर जो सामान्य उद्देश्य है हम उसको यूज करते हैं। सामान्य उद्देश्य का मतलब ये हो गया कि जिसका प्रयोग हर जगह लगभग लगभग इक्वल है, कॉमन है, ठीक है। तो वो कौन कौन से कंप्यूटर होते हैं, उसमें होता है एक मेन फ्रेम कंप्यूटर, एक मिनी कंप्यूटर और एक होता है माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर भाई मतलब छोटा भाई होता है सुपर कंप्यूटर का, अभी आगे पढ़ेंगे। फिर एक होता है विशेष उद्देश्य। विशेष उद्देश्य का मतलब क्या होता है, किसी एक प्रकार की समस्या का समाधान करना। क्या आप अपने कंप्यूटर से जो एयर ट्रैफिक होता है उसको कंट्रोल कर लोगे, नहीं। तो जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए कंप्यूटर होते हैं वो कैसे होते हैं, बड़े बड़े कंप्यूटर होते हैं। हमको भूकंप को नापना है कि भूकंप कब आ सकता है, सुनामी कब आ सकती है, बड़ी बड़ी हमको वैज्ञानिक शोध करना हो, इंजीनियरिंग में बड़े बड़े काम करना हो, तो वहां हम बड़े बड़े कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, उसे हम कहते हैं सुपर कंप्यूटर। वो हो गया आपका स्पेशल पर्पस, विशेष उद्देश्य के लिए, किसी एक दो प्रकार की समस्याओं का केवल समाधान के लिए। चलिए अब इनको, अभी हमने ब्रीफ समझा, अब आगे समझते हैं इनको डिटेल में, ठीक है। आइए, पहला क्या आता है आपका एनालॉग। क्या होता है कि भौतिक राशियों को, भौतिक राशि का मतलब क्या होता है मेरे भाई, फिजिकल। भौतिक राशि का मतलब होता है फिजिकल क्वांटिटीज, कैसी, फिजिकल क्वांटिटी, ये होता है फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशियों के मापन के लिए, जैसे कि दाब मतलब क्या, प्रेशर, ताप, टेम्परेचर, स्पीड अर्थात गति,
उदाहरण क्या होते हैं इनके, आपने अपनी गाड़ी में देखा होगा आजकल तो डिजिटल हो गया है, पर पहले क्या था, देखते ना कि मीटर ऐसे भागता था तो स्पीडोमीटर। दूसरा आपने वोल्टेज नापने के लिए सुना होगा वोल्टमीटर, करंट नापने के लिए आपने सुना होगा एमीटर। तो ये जो वोल्टेज है, ये करंट है, जो गति है, ये क्या है? एनालॉग का मतलब क्या होता है समझिएगा, एनालॉग का मतलब क्या होता है ना समझिएगा। इतना डिटेल में एग्जाम में पूछेगा नहीं, लेकिन हमको समझ में आ जाए कि एनालॉग कंप्यूटर होता क्या है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? जिसके मान में लगातार परिवर्तन होते रहे, निरंतर परिवर्तन होते रहे। सपोज आपने गर्म एक बाल्टी भर के गर्म पानी किया, अब आपने बटन बंद कर दी, या गैस में कर रहे हैं तो गैस बंद कर दी। अब क्या ये बताइए कि जो पानी आपने गर्म किया था एक घंटे तक उसी टेम्परेचर पर रहेगा? धीरे धीरे ठंडा होता है ना, तो क्या है कि जो दाब है, जो ताप है, टेम्परेचर है, ये लगातार इन राशियों में परिवर्तन होता है लगातार। तो ऐसी क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए, फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। और इनकी खासियत क्या होती है, ये रियल टाइम प्रोसेसिंग करते हैं वर्तमान में। जो सपोज मान लो कि हमारे पास में एक बाल्टी है, इसमें पानी गर्म पानी भरा हुआ है, इसमें गर्म पानी भरा हुआ है, ये इसकी भाप उड़ रही है, और इसका टेम्परेचर अभी कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है, और हमने यहाँ पास एक एनालॉग कंप्यूटर लगा के रखा हुआ है इसके टेम्परेचर को नापने के लिए। अब देखिए क्या हो रहा है, जैसे ही इसका टेम्परेचर 100 से 99 पे आएगा, ये तुरंत दिखा देगा क्या 99, मतलब कंटिन्यूस रीडिंग को ये क्या करता है, रीड कर लेता है। इनको हम कहते हैं एनालॉग कंप्यूटर, इससे अधिक इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये हो गया हमारा एनालॉग कंप्यूटर। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंप्यूटर की ओर, देखते हैं क्या है, डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर का मतलब क्या होता है कि वह कंप्यूटर जो बाइनरी अंक पर, क्या बाइनरी डिजिट पर, ऐसे कंप्यूटर जो बाइनरी डिजिट पर काम करते हैं, मतलब जो हम इनपुट देंगे वो किस फॉर्म में देंगे, बाइनरी। और बाइनरी का मतलब क्या होता है, 0 और 1। जो कंप्यूटर आपका काम करता है, जो कंप्यूटर है वो कौन सी भाषा समझता है, आपका कंप्यूटर समझता है मशीन भाषा। जो हमारा कंप्यूटर है ना, वो समझता है क्या, मशीन भाषा। और मशीन भाषा किसमें होती है, ये बाइनरी में होती है। आपकी जो मशीन भाषा होती है वो किसमें होती है, बाइनरी में होती है। बाइनरी में क्या होता है, बाइनरी में होता है 0 या 1। ये 0 1 का मतलब क्या होता है, देखिएगा बता रहा हूं आपको। हमने एनालॉग में भी क्या देखा था, एनालॉग सिग्नल कैसा था, लगातार आगे बढ़ रहा था, बढ़ घट रहा था, हो सकता है ये कभी ऊपर हो, नीचे हो, जो भी हो, लेकिन ये लगातार चलेगा। देखिए डिजिटल में क्या होता है, या तो 1 मतलब ऑन, या तो ऑन होगा या तो ऑफ होगा, या तो सिग्नल 1 होगा या तो नहीं होगा, ये क्या है, 0 है। या तो ऑन होगा, 1 होगा, या तो क्या होगा, ऑफ होगा। तो ये क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, ये डिसकंटिन्यूअस होता है, ये कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं होता है। तो ऐसे तो इस चीजों को, मतलब ऐसे इनपुट्स की गणना करने के लिए हम कौन सा कंप्यूटर यूज करते हैं, डिजिटल कंप्यूटर। और आज वर्तमान में हम जो भी कंप्यूटर यूज कर रहे हैं मेरे भाई, वो कौन सा कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, हम डिजिटल कंप्यूटर। अधिकतर सबसे ज्यादा यूज होने वाले कंप्यूटर कौन से हैं आपके, डिजिटल कंप्यूटर है। आइए समझते हैं उनके उदाहरण क्या है, डेस्कटॉप, लैपटॉप, और जो आज की डेट पे आप स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं वो भी क्या है, डिजिटल कंप्यूटर है। तो ये हमारा क्या हो गया, डिजिटल कंप्यूटर। यहां तक आप लोगों को समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हमारा तीसरा क्या, हाइब्रिड। तो हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों को जोड़ के बनाया जाए, वो क्या होते हैं हमारे, हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब हिंदी में क्या होता है, संकर। आपने पढ़ा होगा ना हाइब्रिड बीज, हाइब्रिड बीज का मतलब क्या होता है, उसमें किसी प्रकार का मॉडिफिकेशन करते हैं। हम इसमें क्या कर रहे हैं, एनालॉग और डिजिटल को दोनों को जोड़ दिए, है ना। तो हमारे पास में कुछ ऐसे भी काम, हमने देखा कि एक कंप्यूटर है जो कंटिन्यूस रीडिंग को रीड कर रहे हैं, एक है जो डिजिटल पे काम कर रहे हैं, क्यों ना दोनों को जोड़ दें। दोनों को जोड़ दिए, और इसका उपयोग कहाँ हुआ, देखिए आपने एक ना, जब कभी भी अस्पताल में आप देखा होगा आपने, तो एक होता है, बोलते हैं ना कि यार किसी को अटैक आने वाला था या किसी को अटैक आया था, तो उसका ECG करवाओ। ECG का मतलब क्या होता है, इसका होता है फुल फॉर्म क्या, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ECG ये क्या होता है कि हमारे हार्ट बीट को, ये क्या करता है हमारी ECG, हमारी हार्ट बीट को और जो हमारी पल्स होती है, बहुत सारे पैरामीटर्स को लगातार नापता है। कुछ इस प्रकार से चलता है। और ये रीडिंग दिखाता है कि पेशेंट का जो ब्लड फ्लो था, जो पेशेंट का BP था, वो उसमें फ्लक्चुएशन दिखाता है। और लेकिन जो ECG होता है, ये तो हमारे बॉडी के अंदर की गतिविधियों को पकड़ता है, पर हमको दिखाता किस रूप में है, ये हमको दिखाता है डिजिटली रूप में। जैसे बोलते हैं ना कि भाई आपका बीपी मशीन आपने घर में कभी चेक करके देखा होगा, आप लोगों के यहाँ होगा, या कभी आप लोगों ने अस्पताल में बीपी चेक करवाया होगा, पट्टा बांध देता है,
और आजकल डिजिटल मशीन आ गई है, तो उसमें क्या होता है वो नाप रहे हमारे अंदर का एनालॉग, अंदर क्या लगातार बीपी हमारा चेंज हो रहा है, और उसको किसमें दिखाता है, दिखाता है 90/70, या किसी किसी के जब बीपी बढ़ा होता है तो 160/90 ऐसे दिखाता है ना। तो ये क्या है, जो आपका ईसीजी होता है, बीपी मीटर होता है, और सबसे फेमस क्या, थर्मामीटर। हमको जब बुखार आता है तो मुंह में डंडी डाल लेते रहते करके, वो क्या होता है, थर्मामीटर होता है, ठीक है। तो ये थर्मामीटर, तो ये क्या दिखाता है, ये एनालॉग, ये क्या करता है, एनालॉग क्वांटिटीज को किसमें शो करता है, डिजिटल में शो करता है, एनालॉग क्वांटिटीज को डिजिटल में शो करता है, या तो इसका उल्टा भी करता है, डिजिटल क्वांटिटीज को एनालॉग में भी दिखाता है। तो आपसे पूछ ले कि हाइब्रिड कंप्यूटर के काम क्या है, तो ये क्या करता है, एनालॉग को डिजिटल फॉर्म में दिखाता है, एनालॉग को डिजिटल फॉर्म में दिखाता है, और या तो फिर क्या करता है, डिजिटल को एनालॉग फॉर्म में दिखाता है, वाइस वर्सा, एक दूसरे का उल्टा। ये क्या हो गया, आपका हाइब्रिड कंप्यूटर हो गया। तो चलिए, अभी हमने क्या पढ़ लिया, एनालॉग डिजिटल और हाइब्रिड के बारे में पढ़ लिया, अब आगे देखते हैं और क्या आता है। फिर हमने देखा था ना कि उद्देश्य के आधार पर, आकार के आधार पर, सबसे पहले आता है हमारे पास में क्या, मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो आपसे यदि क्वेश्चन ने पूछ लेता है तो सबसे पहले तो आप इसको समझ जाओ कि उद्देश्य और आकार के आधार पर, तो सबसे पहले समझिएगा ये आपका क्या है, सुपर कंप्यूटर। देखिएगा सुपर कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। इसके बाद में हमारा आता है मेन फ्रेम। इसके बाद में आता है मिनी, क्या, मिनी। और इसके बाद में क्या आता है आपका, माइक्रो। ये जो आप सीक्वेंस देख रहे हैं, ना, क्या, सुपर कंप्यूटर, फिर इसके बाद में मेन फ्रेम, फिर आप देख रहे हैं मिनी, और फिर क्या देख रहे हैं आप, माइक्रो। जो आपका सीक्वेंस, दिखाई दे रही है, ये सीक्वेंस क्या है, सबसे बड़ा आप पहले बात कर ले आकार की, सबसे पहले बात कर रहे हैं इसके आकार, अर्थात इसकी हम बात कर रहे हैं किसकी, साइज की। तो साइज में दोस्तों बात कर लेते हैं, तो सुपर कंप्यूटर सबसे बड़े होते हैं, उसके बाद मेन फ्रेम होते हैं, उससे छोटे मिनी होते हैं, और सबसे छोटे क्या होते हैं, माइक्रो होते हैं। बात कर ले स्पीड की, किसकी बात यदि हम कर ले, स्पीड की, गति की, तो सबसे ज्यादा फास्ट कैलकुलेशन कौन कर सकता है, सुपर कंप्यूटर। उसके बाद कौन कर सकता है, मेन फ्रेम। उसके बाद कौन कर सकता है, मिनी कंप्यूटर, सॉरी माइक्रो कंप्यूटर। तो सुपर, मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो कंप्यूटर। तो आकार के लिए भी यही सिक्वेंस चलेगा, बढ़ते क्रम से घटते क्रम, मतलब घटते की ओर जा रहे हैं, और स्पीड की बात करें तो यही क्रम चलेगा, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये सिक्वेंस एग्जाम में पूछ चुका है। आइए तो अब समझते हैं हम क्या, कि आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर ये क्या होते हैं। देखिए, ये आकार में मिनी कंप्यूटर से बड़े होते हैं, अभी हमने सिक्वेंस में देखा ना, आकार में मिनी कंप्यूटर से बड़े होते हैं। बड़े संस्थानों में, कार्यालयों में इनका प्रयोग होता है, जैसे कि रेलवे, रक्षा, अनुसंधान, जनगणना आदि में। देखिए, आप लोगों ने कुछ देखा हो या ना देखा हो, रिसेंट में आप लोगों ने क्या देखा है, हमारा जो चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हुई थी, तो उसमें आप लोग देखते हो कि जो दिखाता है, तो क्या बहुत सारे साइंटिस्ट लोग क्या रहते हैं, कंप्यूटर पर बैठे रहते हैं, और लगातार वो अपने कंप्यूटर में कुछ ना कुछ देखते रहते हैं। पता है वहां क्या है, कि वहां पर जो सारे कंप्यूटर्स रहते हैं ना, एक मेन कंप्यूटर से वो जुड़े होते हैं। यदि वहां पर एक भी आदमी कुछ काम करेगा ना, तो सारे के सारे कंप्यूटर में वो काम दिख जाएगा। जैसे काउंट डाउन चालू होता है, बोलते हैं ना कि 8 9 9 8 7 2 1, वो तो वहां पास में क्या रहता है, कि सभी कंप्यूटर्स क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और वो सारे कंप्यूटर एक मेन बहुत बड़े से कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर। या तो और समझिएगा, जैसे आप लोग कभी स्टेशन गए होंगे, रेलवे स्टेशन गए होंगे रिजर्वेशन करवाने के लिए, वहां पास क्या होता है, देखिए जैसे आप बिलासपुर स्टेशन में करवा रहे हैं, वहां भी आदमी तुरंत चालू करता है, वही उसलापुर में करता है, पूरे भारत में एक साथ। तो वो सारे जो कंप्यूटर है ना, वो एक सिस्टम से, एक नेटवर्क से, एक सर्वर से जुड़े हुए हैं, और वो सर्वर क्या है, एक विशाल कंप्यूटर है, वो सारे नेटवर्क को कंट्रोल करता है। तो वो क्या हो गया, मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, सपोज मान लीजिए आपके पास में एक बैंक है, बहुत बड़ी बैंक है, ये क्या है, बैंक का हेडक्वार्टर है, ये क्या है, बैंक का हेडक्वार्टर है। इसके बाद में क्या होता है, छोटी छोटी अन्य और बैंक होती है, तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया हेडक्वार्टर किसी बैंक का, ठीक है। इसके बाद में आपने देखा होगा कि इनके क्या होते हैं, रीजनल, है ना, रीजनल कार्यालय, बिलासपुर का कार्यालय, रायपुर का कार्यालय, और ये पूरे छत्तीसगढ़ का हो गया। इसके बाद में ये रीजनल, रीजनल में क्या होता है, जैसे कि आपका बिलासपुर का हो गया,
और ये वाला जो ऑफिस हो गया मान लीजिए ये आपका हो गया रायपुर का, ये हो गया रायपुर का। इसके बाद में बिलासपुर में भी बहुत सारी ब्रांच होती है, रायपुर में भी बहुत सारी ब्रांच होंगी। तो ये जो आपका कंप्यूटर होता है ना इसको बोलते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये चाहेगा तो इन सबको यदि कुछ काम करना है, इनको बंद करवाना है, सबको लॉक कर देगा। तो इसके हाथ में पूरा कंट्रोलिंग होता है पूरे हर ब्रांच का, इसको हम बोलते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो देखिए रेलवे में, रक्षा में, अनुसंधान में, जनगणना आदि मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग होता है। और समझिएगा इससे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यदि आपसे एग्जाम में पूछ लेगा भाई कि मेन फ्रेम कंप्यूटर को और किस नाम से जानते हैं, क्योंकि ये आकार में इतने बड़े होते हैं, बहुत बड़े आकार के होते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं बिग आयरन। क्या बोलते हैं? बिग आयरन। मेन फ्रेम कंप्यूटर का ही एक नाम क्या है? बिग आयरन। ये एन है, एन एच मत समझना, बिग आयरन। मेन फ्रेम कंप्यूटर को और किस नाम से जानते हैं? बिग आयरन के नाम से जानते हैं। यहां तक क्लियर हुआ आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। अच्छा, इनकी खासियत क्या होती है, मेन फ्रेम कंप्यूटर की खासियत क्या होती है, देखिएगा। ये क्या होते हैं? ये होते हैं आपके, ये कैसे होते हैं, ये आपके होते हैं मल्टी यूजर। इसमें एक साथ बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं। अभी जो मैंने आपको बताया ना इसरो का एग्जांपल कि कई सारे साइंटिस्ट एक साथ बैठ के काम करते हैं, तो ये कैसे होते हैं? मल्टी यूजर होते हैं। और कैसे होते हैं? ये होते हैं आपके मल्टी प्रोग्रामिंग। मतलब एक उसके माध्यम से कई सारी प्रोग्रामिंग इसमें इंस्टॉल की जा सकती है और उनसे काम लिया जा सकता है। तो मल्टी यूजर होते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग होते हैं। बात कर लें इसके उदाहरण की, तो IBM 4381 याद करने की जरूरत नहीं, आपको बता रहा हूं, एग्जाम में नहीं पूछेगा आपसे। वो जो पूछता है वो मैंने आपको बता दिया कि उनकी सिक्वेंस पूछता है, फिर भी पूछ लेता है कि जो निम्नलिखित में से, जो पूछ लेगा आपको कि बड़े बड़े संस्थानों में, रेलवे का हेडक्वार्टर है, वहां पास जो कंप्यूटर यूज हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, है ना। इतनी डिटेल में नहीं जाएगा, फिर भी याद रखना कि 4381 4000 इतनी बड़ा नंबर है, ये बहुत बड़ा नंबर है 4000। तो IBM 4000 याद रखना, ये क्या हो गया? मेन फ्रेम कंप्यूटर हो गया, ठीक है। CDC साइबर ये क्या है? इसके उदाहरण है मेन फ्रेम के। अब इसके बाद सुनना कि सुपर कंप्यूटर के बाद सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर, मैंने आपको बताया था ना कि मेन फ्रेम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर का भाई, छोटा भाई होता है। तो सुपर कंप्यूटर के बाद में जो आपने सिक्वेंस देखी थी ना, जो हमारी सिक्वेंस थी वो क्या थी? सबसे पहला क्या था? सुपर कंप्यूटर, सुपर। इसके बाद में क्या था आपका? मेन फ्रेम देखा था। मेन फ्रेम के बाद में आपने क्या देखा था? मिनी देखा था। और मिनी के बाद में क्या था? माइक्रो। मिनी के बाद क्या था? माइक्रो, ये आपने देखा था। चलिए तो उसके बाद में क्या है यहां और देखिएगा, अधिक मात्रा में डाटा का संग्रहण, इसलिए इसको बिग आयरन भी कहते हैं। क्यों? बहुत बड़ी क्वांटिटी के होते हैं। मैंने आपको बताया ना कि इतने बड़े होते हैं, बड़ी मात्रा में डाटा को क्या स्टोर कर सकते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? बिग आयरन कहते हैं। इसको हम बिग आयरन कहते हैं। तो दोस्तों ये हो गया आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब हमारे पास में अगला क्या है। अब आता है मिनी कंप्यूटर। तो ये क्या होते हैं? ये भी मल्टी यूजर होते हैं। साइज में क्या होते हैं? ये जो आपके मिनी कंप्यूटर हैं, ये क्या होते हैं? ये आपके मेन फ्रेम से, जो आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर आपने देखा इसके पहले, ये क्या होते हैं साइज में? ये मिनी कंप्यूटर हो गया, ये मिनी, और ये क्या हो गया आपका? माइक्रो। जो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? अभी हम बात कर रहे हैं अपने मिनी कंप्यूटर की। तो साइज में क्या होते हैं? ये मेन फ्रेम से छोटे होते हैं और माइक्रो से बड़े होते हैं। साइज में मेन फ्रेम से छोटे होते हैं और माइक्रो से बड़े होते हैं। और कैसे होते हैं? मल्टी यूजर होते हैं। हमने देखा था कि मेन फ्रेम कंप्यूटर भी कैसा था? मल्टी यूजर था, एक साथ कई उपयोगकर्ता इसमें काम कर सकते हैं। इसके बाद में क्या है? माइक्रो कंप्यूटर से आकार और गति में ज्यादा होते हैं। ये देखिए ये क्या है? माइक्रो कंप्यूटर। तो इससे आकार में भी ज्यादा होते हैं और स्पीड में भी ज्यादा होते हैं। इस कारण से देखिए मेन फ्रेम से आकार और स्पीड में कम है और माइक्रो से आकार और स्पीड में ज्यादा है। इस कारण इसका एक नाम दिया गया है, इसको हम बोलते हैं मिड रेंज। क्या? मिड रेंज, दोनों के बीच का, इसको हम बोलते हैं मिड रेंज कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर को हम मिड रेंज कंप्यूटर भी कहते हैं। पहला मिनी कंप्यूटर, दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, याद रखिएगा पहला मिनी कंप्यूटर क्या था? PDP-8। मैंने आपको बताया था ना, और बताइए मेरे को, आपको अब बताना है कि बताइए दोस्तों, जितने लोग कमेंट करके बताएंगे मान जाऊंगा कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा है, मेरी मेहनत सफल हो रही है। बताइए PDP-8 किस जनरेशन का कंप्यूटर है, बताइए कमेंट करके, PDP-8 किस जनरेशन का कंप्यूटर है, ठीक है। तो मिनी कंप्यूटर का उदाहरण क्या है? PDP-8।
पहला मिनी कंप्यूटर क्या है? PDP-8, याद रखिएगा। छोटे संस्थानों में और कार्यालयों में इसका क्या होता है? प्रयोग होता है। हमने देखा था कि क्या है आपका हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर में बैंक का हेडक्वार्टर है, वहां क्या यूज होता? मेन फ्रेम कंप्यूटर, बड़ा कंप्यूटर। अब आपका आगे क्या? बिलासपुर हेड ऑफिस, तो बिलासपुर हेड ऑफिस में क्या यूज होगा? आपका मिनी कंप्यूटर। और फिर बिलासपुर की जितनी भी शाखाएं होंगी ना, उन पे ये कंट्रोलिंग करेगा। तो ये क्या हो गया आपका? छोटे संस्थानों और कार्यालयों में इसका प्रयोग होता है। जो छोटे छोटे आपके ऑफिस होते हैं, सपोज कोई छोटी सी कोई कंपनी है, उसमें मान लीजिए कि 150 कंप्यूटर यूज हो रहे हैं, तो उसका भी ये क्या होता है? एक हेड सर्वर होता है, वो उसको कंट्रोल करता है। यदि मान लो कि उसको सप्लाई किसी आदमी को काम करने से रोकना है, तो उसको वहीं से वो बंद कर देगा। तो छोटे कार्यालय में, जो इसके पहले वाला मेन फ्रेम था, वो बड़े बड़े कार्यालय में, बड़े बड़े ऑफिसों में वो यूज होता था। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? मिनी कंप्यूटर हो गया। इसका पहला मिनी कंप्यूटर क्या था? PDP-8। कमेंट करके बताइएगा कि PDP-8 किस जनरेशन का कंप्यूटर है। चलिए अब बढ़ते हैं, और इसका एक और नाम क्या है? मिड रेंज कंप्यूटर। चलिए आइए अब देखते हैं अगला। लास्ट हमारे पास में क्या आ गया? माइक्रो। हमने क्या देखा था? सबसे पहले सुपर कंप्यूटर आकार और स्पीड में, इसके बाद में क्या देखा था? मेन फ्रेम देखा था, मेन फ्रेम देखा था, इसके बाद में हमने क्या देखा था? मिनी देखा था, और मिनी के बाद में क्या आ गया? माइक्रो। तो सबसे छोटा आकार में, सबसे छोटा आकार में क्या होता है? माइक्रो होता है। सबसे कम स्पीड इन तीनों में किसकी होगी? माइक्रो की होगी। ये इसीलिए मैं बार बार लिख रहा हूं कि आपके दिमाग में छप जाए, बार बार आपको घर जाके रिवाइज ना करना पड़े, क्लास में ही सुन रहे हो, क्लास में याद हो जाए। ठीक है, अब देखिए आकार में मेन फ्रेम एवं मिनी कंप्यूटर से छोटे होते हैं। इनका अन्य नाम, इसको और किन किन नामों से जाना जाता है? तो इसको हम बोलते हैं पीसी। पीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर। क्या होता है पीसी का फुल फॉर्म? पर्सनल कंप्यूटर। क्या होता है पीसी का फुल फॉर्म? पर्सनल कंप्यूटर। इसके बाद में हम इसको और क्या कहते हैं? देखिए अब आप बताइए मेरे को, अभी मैंने आपको आज की क्लास में स्टार्टिंग में बताया है माइक्रो कंप्यूटर, बताइए किस जनरेशन में माइक्रो कंप्यूटर की खोज हुई थी या माइक्रो कंप्यूटर को डेवलप किया गया था? तो हमने क्या पढ़ा था आज कि चौथे जनरेशन में, किसमें? कंप्यूटर की फोर्थ जनरेशन में। कंप्यूटर की फोर्थ जनरेशन में हमने किसकी, कौन से हार्डवेयर को डेवलप किया था? आप कहोगे सर माइक्रो प्रोसेसर को। क्या कहोगे सर? माइक्रो प्रोसेसर को। और वे कंप्यूटर जिनमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाता है, ऐसे कंप्यूटर जिनमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं भाई? उसको हम बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर। ऐसे कंप्यूटर जिनमें माइक्रो कंप्यूटर, ऐसे कंप्यूटर जिनमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर अर्थात जिनमें माइक्रो प्रोसेसर को यूज किया जाता है। किस पीढ़ी के कंप्यूटर हैं? फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं। सबसे आकार में सबसे छोटे हैं इन तीनों की तुलना में, और गति में भी सबसे कम है। इसके उदाहरण क्या है? देखिए इसका अन्य नाम क्या है? पर्सनल कंप्यूटर। क्या? पर्सनल कंप्यूटर। और आज वर्तमान में हम जो घर में डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप, मोबाइल जितने भी यूज कर रहे हैं, ये सब क्या है? इसके उदाहरण है। जितने भी हम यूज कर रहे हैं, ये क्या है? इसके उदाहरण है। इसके बाद में आता है सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि विश्व का सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर, तो आप क्या बताओगे? अल्टेयर। क्या? ALTAIR, अल्टेयर 8800 AA00। अल्टेयर क्या है? आपका विश्व का सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर है। विश्व का सबसे पहला मिनी कंप्यूटर पूछ देगा तो क्या बताओगे आप? PDP-8। विश्व का सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर पूछ देगा तो क्या बताओगे? अल्टेयर 8800। अब आते हैं भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर। आपसे पूछ ले कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का आपसे यदि नाम पूछ ले तो बताइए क्या है? सिद्धार्थ। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर क्या है? सिद्धार्थ। ठीक है, कभी भी पूछता कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर तो क्या हो जाएगा? सिद्धार्थ। यहां तक कहानी क्लियर हुई? कोई दिक्कत यहां तक? चलिए अब यदि मैं आपसे पूछ लूं इसके उदाहरण, बात करते हैं इसके एग्जांपल की, तो क्या डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप, नोटबुक और टैबलेट और पीडीए। पीडीए का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल। पीडीए का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। क्या होता है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ये क्या हो गया आपका? पीडीए का क्या हो गया आपका? फुल फॉर्म हो गया पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। मैंने कल आपको बताया था कि पीडीए क्या होते हैं, जो छोटे छोटे डिवाइस को हम, गैजेट्स को हम अपने हाथ में यूज करते हैं, जैसे बिलिंग मशीन हो गई है ना, बहुत सारी मशीनें होती है, देखियो ना कि उसमें आप बस में कभी आप देखोगे सिटी बस में बैठते थे उसमें पर्ची काट के निकालता है, वो क्या है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है पीडीए।
चलिए तो ये क्या होगा इसके उदाहरण। अब आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, लास्ट क्लास में भी आपसे किया था दोस्तों, आप लोग उसका आंसर नहीं दिए हो, बहुत मेरे को बेकार लगता है, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, आप लोग क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हो कमेंट करके, वीडियो को लाइक नहीं करते हो। बता रहा हूँ दोस्तों, मैं जितनी मेहनत आप लोगों के लिए क्लास में कर रहा हूँ ना, ये फ्री वीडियो आप लोगों के लिए आ रहे हैं, ये दोस्तों आप लोगों के लिए फ्री हो सकता है। कितनी मेहनत मेरे को करना पड़ रही हो आपको समझ में आ रहा होगा। इसके लिए कोई भी दोस्तों आपको पेड कोर्स में इतनी मेहनत नहीं करने वाला कोई आपके लिए, मैं चाहता हूं कि इसका आप लोग पूरा पूरा फायदा उठाओ, पर मेरी तो कम से कम आप लोग इतनी तो जो आपसे कहता हूं उतना सुना करो। वीडियो पे लाइक्स आप लोगों के आना चाहिए, कमेंट्स आप लोगों के आना चाहिए, और दोस्तों को आपको शेयर भी करना है, ठीक है। तो क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन, इनमें से कौन सा पोर्टेबल, क्या पोर्टेबल कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है, बताइए मेरे को निम्नलिखित में से कौन पोर्टेबल कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है। डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप, नोटबुक, टैबलेट और पीडीएफ। और पोर्टेबल कंप्यूटर का मतलब क्या होता है, जिसको हम आसानी से, बड़ी आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जा सकें। अब आप मेरे को आंसर बताइएगा कि डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप, नोटबुक, टैबलेट और पीडीएफ में से कौन पोर्टेबल कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है, क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। चलिए आप मेरे को बताएंगे कमेंट करके, मैं आगे बढ़ता हूँ। और कुछ इसमें बताने लायक है तो मैं आपको कोशिश करता हूँ बताने की। देखिए इसमें और कुछ नहीं है, जैसे आपसे पूछ ले कि सबसे लोकप्रिय पर्सनल कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर का एक नाम और क्या है, पर्सनल कंप्यूटर। तो आपसे पूछ ले कि सबसे लोकप्रिय पर्सनल कंप्यूटर का उदाहरण है, तो आप बताएंगे डेस्कटॉप। सबसे लोकप्रिय पर्सनल कंप्यूटर का उदाहरण है लैपटॉप। ये पाम टॉप क्या होता है, पाम का अर्थ होता है हथेली, हथेली में यूज करने वाले कंप्यूटर्स, तो उनको हम क्या बोलते हैं, स्मार्टफोन वगैरह जैसा। कि नोटबुक क्या होता है, ये लैपटॉप से थोड़े छोटे होते हैं। टैबलेट आप देख ही रहे हो कि उसमें क्या हो गया है कि जो कीबोर्ड था वो हट गया है, उसमें टच स्क्रीन आ गया है, ठीक है, टच पैड हो गया है। और पीडीए तो मैंने आपको बता ही दिया, पीडीए का फुल फॉर्म एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। तो दोस्तों ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा माइक्रो कंप्यूटर। इसके बाद में आइए देखिएगा, समझिएगा आपको चीज यहां से और बताता हूं। जैसे ये एक कंप्यूटर है, ठीक है, ये हमारा क्या है, मान लीजिए एक कंप्यूटर है। इसके बाद में ये जो कंप्यूटर है ना, ये किससे जुड़ा हुआ है समझिएगा, यहाँ पास और भी बहुत सारे ये कंप्यूटर एक और ये कंप्यूटर हो गया, जैसे कि और ये हो गया। इसके बाद में क्या है, जैसे मान लीजिए इस कंप्यूटर से आप बहुत सारे कंप्यूटर जुड़े हैं ना, बहुत सारे, ये इस टाइप से बहुत सारे कंप्यूटर क्या है, इससे ये जुड़े हुए हैं, बहुत सारे कंप्यूटर ऐसे करके, बहुत सारे कंप्यूटर इससे जुड़े हुए हैं। तो देखिए यहां समझिएगा, इस डायग्राम को समझिएगा, ये क्या हो सकता है बताओ मेरे को, ये क्या हो सकता है, इसको हम क्या बोलेंगे, मेन फ्रेम। ये क्या हो जाएगा आपका, मेन फ्रेम कंप्यूटर। इससे क्या जुड़े होते हैं, इसके नीचे आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका मिनी, ये क्या हो जाएगा आपका मिनी कंप्यूटर। और फिर इसके बाद कैटेगरी में क्या आते हैं, ये होते हैं माइक्रो कंप्यूटर, ये क्या होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर को और हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर ऑन चिप, या और क्या बोलते हैं, पीसी, पर्सनल कंप्यूटर। अब देखिए यहां से मैं आपको ये डायग्राम इसलिए बताया हूं, यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है कि देखिए ये तो हो गया स्ट्रक्चर, तो मेन फ्रेम आकार में सबसे बड़े, स्पीड में ज्यादा, उसके बाद में आकार में छोटे मिनी और स्पीड थोड़ी कम, और फिर क्या आएगा, मेन माइक्रो कंप्यूटर आएगा आकार में और छोटे और स्पीड उनकी और कम। अब ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है और ये मिनी कंप्यूटर है, यहां जो जुड़ रहे हैं ना, ये जो इनका जुड़ने वाला स्थान है, या जो मिनी से जो माइक्रो जुड़ रहे हैं, ये जो स्थान है, ये जो पॉइंट है, तो पता है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डंब टर्मिनल। और ये जो आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर है, इस मिनी कंप्यूटर के लिए कैसे काम करेगा, ये जो आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर है, ये आपके मिनी कंप्यूटर के लिए एज ए सर्वर, सर्वर का मतलब क्या, आप तो समझ गए ना, आप लोग बोलते हैं ना सर्वर डाउन हो गया है, मतलब क्या कि उसका मुख्य कंप्यूटर एज ए सर्वर की तरह प्रयोग होता है ये। तो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर से जो मिनी कंप्यूटर होते हैं, जिससे जुड़े होते हैं, उसको हम बोलते हैं डंब टर्मिनल। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है, इसको हम क्या कहते हैं, डंब टर्मिनल। तो ये इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है मेन फ्रेम का, मिनी का और माइक्रो का। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब अगला क्या है। देखिए अब हमारा आता है सबसे फेवरेट, एग्जाम का सबसे फेवरेट, हमारा सबसे फेवरेट माइक सुपर कंप्यूटर। तो देखिए सबसे तेज होते हैं, तीव्र प्रोसेसिंग होती है, सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर, विशाल भंडारण क्षमता। जितने भी टाइप के कंप्यूटर आपने अभी तक पढ़े हैं, सबसे ज्यादा साइज में बड़े होते हैं, सबसे तीव्र गति के होते हैं,
सबसे शक्तिशाली, ये क्वेश्चन में पूछता है कि सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर क्या है, ये व्यापा में पूछ चुका है 2-3 बार। और विशाल आकार, विशाल भंडारण क्षमता, सब कुछ बड़ा किसका होगा, सुपर कंप्यूटर का, नाम भी लगा हुआ है सुपर, ठीक है। इसके बाद में क्या, जटिल से जटिल गणनाओं की कौन काम करता है, सुपर कंप्यूटर, जटिल से जटिल गणनाओं को संपन्न करता है आपका सुपर कंप्यूटर। और मैंने आपको इसके पहले भी पढ़ा चुका हूं, जब मैं आपको वो पढ़ा रहा था क्या कंप्यूटर की विशेषताएं पढ़ा रहा था, वहां मैंने आपको बताया था प्रोसेसिंग स्पीड, कंप्यूटर की विशेषताओं में मैंने आपको बताया था स्पीड। तो स्पीड पे मैंने बताया था कि सुपर कंप्यूटर की स्पीड किसमें नापी जाती है, फ्लॉप्स में नापी जाती है, किसमें, फ्लॉप्स में। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फ्लॉप्स का फुल फॉर्म होता है फ्लोटिंग, फ्लॉप्स का फुल फॉर्म होता है फ्लोटिंग ऑपरेशन, फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, पर सेकंड। ये क्या है, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड है, किसकी, सुपर सुपर कंप्यूटर की स्पीड किसमें नापी जाती है, फ्लॉप्स में, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है, या तो ये पूछेगा कि सुपर कंप्यूटर की स्पीड नापने की यूनिट क्या है, तो फ्लॉप्स, या फ्लॉप्स का फुल फॉर्म पूछ सकता है। आइए समझते हैं इसके बाद में क्या कि आपका सुपर कंप्यूटर, तो देखिएगा यहां समझिएगा, विश्व और भारत में प्रथम सुपर कंप्यूटर क्या है, प्रथम सुपर कंप्यूटर क्या है, क्रेवन, क्रेवन विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर आपसे पूछ ले तो क्या होगा, क्रेवन। भारत में पूछ लेगा तो क्या होगा, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर क्या है, परम 8000, परम 8000। सबसे तेज पूछ ले विश्व में, सबसे तेज तो आप क्या बताएंगे, फ्रंटियर, क्या अमेरिका का फ्रंटियर सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। और पूछ ले भारत में तो क्या बताओगे आप, भारत में एरावत AI, ये एकदम लेटेस्ट डाटा है, बिल्कुल लेटेस्ट डाटा आज की डेट पे, आज आप क्लास सुन रहे हो ना, ये आज की डेट का डाटा है, एरावत भारत का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। चलिए ये क्या हो गया आपका सुपर कंप्यूटर, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को और देता हूं, है ना, बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, तो चलिए देखिएगा और क्या है, आइए समझिए सुपर कंप्यूटर। तो सबसे पहले आपसे क्या पूछ लेगा, सुपर कंप्यूटर के जनक, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मैं इसको SC लिखा हूं, ठीक है भाई। ये क्या है, इनका नाम था साइमर, इनका क्या नाम था, साइमर, साइमर क्रे, साइमर क्रे, ये कौन थे, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर। इन्होंने क्या बनाया था, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था, इसका नाम था CDC, क्या नाम था इसका, CDC, बताता हूं आपको क्या नाम था इसका, CDC 6600, और इसी को हम क्या नाम से जानते हैं, इसी को हम दूसरे नाम से जानते हैं, इसको हम कहते हैं क्रे, इसको हम बोलते हैं क्रे वन। तो विश्व फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कौन है, साइमर क्रे। इसके बाद में पहला विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर क्या था, CDC 6600, इसको हम और किस नाम से जानते हैं, क्रे वन के नाम से। तो एग्जाम में आपको दोनों पूछेगा, ऑप्शन देगा, दोनों नहीं देगा, कोई एक ही देगा, तो CDC 6600 को और किस नाम से जानते हैं, क्रे वन के नाम से जानते हैं। इसके बाद में आपने देखा, हम बात कर लेते हैं भारत में, हम बात कर लेते हैं भारत में, तो हमारे भारत में आपने क्या देखा कि भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर क्या है, तो आपने बताया सर परम 8000, भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर। इसको किसने बनाया था, तो इसको बनाया था सी डेक ने बनाया था, कहां है ये संस्था पुणे में है। पूछ ले आपसे कि कब बनाया था, तो आप बताएंगे 1991 में, कब 1991 में, एग्जाम में कभी पूछा नहीं है लेकिन पूछ सकता है, सीडेक का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप क्या बताओगे, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस, क्या आपका एडवांस कंप्यूटिंग, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ये कहां है, आपके पुणे में है। और किसका श्रेय था इसको बनाने के पीछे, फादर तो नहीं है लेकिन बता रहा हूं आपको किसका श्रेय जाता है, तो उनका नाम था VP, क्या नाम था उनका, VP भटकर, आपसे कभी भी पूछ लेगा तो VP भटकर, ये क्या थे उस समय, सीडेक के इंचार्ज थे। तो सीडेक ने सबसे पहले क्या बनाया था, परम 8000, ये क्या है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। सीडेक का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। यहां तक क्लियर हुआ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आप जल्दी से 2-3 चीजें और बतलाता हूं,
नोट करिएगा उसको, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो उसका। ठीक, देखो अब क्या हुआ, भारत के हम सुपर कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, भारत के सुपर कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला आपने क्या देखा, परम, आपने परम देखा, ये क्या है, भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है। इसके बाद में और कौन कौन से कंप्यूटर है, तो देखिए सबसे पहला क्या बना है, परम। परम किसने बनाया है, परम सीरीज के कंप्यूटर किसने बनाया है, सी डेक ने बनाया है, किसने बनाया है, सी डेक के। इसके बाद में क्या आता है, इसके बाद में आता है अनुपम, ये आता है अनुपम। अनुपम किसने बनाया है, ये बनाया है किसने, आपके भाभा एटॉमिक रिसर्च, किसने बनाया है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, किसने बनाया है, भाभा एटॉमिक, अनुपम सीरीज का, ये क्या, बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसके बाद में क्या आता है आपका, अनुराग, क्या आता है एक आपका, अनुराग, अनुराग किसने बनाया था, अनुराग सीरीज की, अनुराग सीरीज का कंप्यूटर किसी कंपनी ने बनाया था, पर उसको संचालन कौन करता है, डीआरडीओ, कौन करता है, डीआरडीओ करता है। इसके बाद में एक और क्या आपके सामने आया था, परम हो गया, अनुपम हो गया, और क्या बचता है आपका, फ्लो सॉल्वर, एक होता है आपका नाम है इसका फ्लो सॉल्वर, ये किसने, ये बना, ये डेवलप किया है NAL ने, NAL, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल एरोस्पेस लिमिटेड, नेशनल एरोस्पेस लिमिटेड ने बनाया है क्या, फ्लो सॉल्वर। इसके बाद में एक और आता है, इसका नाम है क्या, प्रत्युष, इसका नाम क्या है, प्रत्युष, प्रत्युष किसने बनाया है, प्रत्युष बनाया है आईआईटी मद्रास ने, किसने बनाया है, आईआईटी मद्रास ने बनाया है। और ये इसका प्रत्युष का उपयोग किस लिए किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है किसके लिए, आपका क्लाइमेट, क्लाइमेट चेंज वगैरह चेंज करने के लिए ना, पर्यावरण के लिए, क्लाइमेट के लिए जो उसकी निगरानी करना होती है उसके लिए क्या, प्रत्युष। तो इतनी सीरीज के कंप्यूटर है, परम सीरीज के हैं, अनुपम सीरीज के हैं, अनुराग सीरीज के हैं, फ्लो सॉल्वर है, और अनुराग सीरीज जो है ना इसी का आपका एक कंप्यूटर सीरीज है, इसी के अंतर्गत एक आता है पेस। आपसे पूछ ले कि पेस किस सीरीज का है, तो आप बताएंगे अनुराग सीरीज का कंप्यूटर है। तो ये हो गया आपके हमारे परम, अनुपम, अनुराग, फ्लो सॉल्वर और प्रत्युष, इसको आप लोग नोट करो जल्दी से, फिर मैं आपको कुछ और बताने वाला हूं फटाफट, है ना, ये हो गया। आइए इसके बाद में देखते हैं हमने क्या देखा, परम, तो परम की सीरीज की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्या है आपका, परम 8000। इसके बाद में ये परम में एक और आएगा, उसको हम बोलते हैं परम 10000, 8 के बाद में 10 आएगा। फिर एक आता है आपका परम पदम, फिर याद रखना फिर क्या होगा, परम हिमालय, परम हिमालय, हिमालय से क्या निकलेगी, गंगा, तो क्या हो जाएगा, परम गंगा, गंगा बहुत प्रवेग में निकलती है तो परम प्रवेग। इसके बाद में परम शक्ति, परम शक्ति, परम युवा, और क्या हो सकता है, गंगा से याद रखना कंचनजंगा, 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 कंचनजंगा। इसके बाद में एक होता है आपका परम कामरूप, परम कामरूप, और क्या होता है, शक्ति हो गया, युवा हो गया, और एक आप कुछ बच रहे हैं क्या आपके, हाँ, इसके बाद में जैसे हिमालय है, तो हिमालय में कौन बैठते हैं, भगवान शंकर, तो ये क्या हो गया, परम शिवाय। तो इतने टाइप के हमारे और भी बहुत टाइप के हैं, एग्जाम में कई बार एक आध दो बार पूछ भी चुका है कि इसमें से कौन सा परम सीरीज का कंप्यूटर नहीं है, शायद पटवारी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या हो गया, परम 8000, परम 10000, परम पदम, परम पदम, परम शिवाय, हिमालय, गंगा, प्रवेग, परम 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 प्रवेग, शक्ति, युवा, कामरूपा और कंचनजंगा, ये क्या है, परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर के वर्जन है। धीरे धीरे समय के साथ में क्या होते हैं, उनके एडवांस वर्जन बनते जा रहे हैं। चलिए इसके बाद में इसका स्क्रीनशॉट लो, तो ये क्या होगा, इनके सबके सामने परम लगाना, इनके सबके सामने परम लगाना, ठीक है, परम 1000, परम शक्ति, युवा, कामरूप, कंचनजंगा, ये परम सीरीज के क्या है, कंप्यूटर है। आइए इसके बाद में देखते हैं क्या आपका, बात कर लेते हैं विश्व के 500 सबसे सुपर फास्ट कंप्यूटर, सुपर फास्ट कंप्यूटर, सुपर फास्ट, सुपर फास्ट कंप्यूटर की श्रेणी में बताइए कि विश्व में कौन सबसे टॉप क्वालिटी पे है, 1, 2, 3, 4, 5। तो बात कर रहे हैं पहला किसका, विश्व का, पहले बात कर लेते हैं किसकी, विश्व की, और दूसरी तरफ क्या बात कर लेते हैं आपके, भारत में, सेकंड नंबर पे क्या, भारत में, समझिएगा और देखिएगा। पहले नंबर पे क्या आ रहा है, देखिए मैंने अभी आपको बताया था ना, फर्स्ट नंबर पे क्या है, देखिए पहले नंबर पे क्या है, अभी मैंने आपको बताया था अमेरिका का फ्रंटियर, ये अमेरिका का किसका है, ये अमेरिका का, यूएसए का है फ्रंटियर। भारत का भी आपको मैंने क्या बताया, एरावत, एरावत,
ये कैसा है, ये एआई बेस्ड है, ये कैसा है एआई बेस्ड है, इसको किसने बनाया है, इसको बनाया है सी डेक पुणे ने, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे आते हैं तो विश्व में दूसरे नंबर पे है ये क्या है, देखिए विश्व चल रहा है ठीक है, विश्व में क्या है, एक है फुगाकू, ये ओका हो गया फुगाकू, ये किसका है जापान का है, ये किसका है जापान का है। भारत में सेकंड नंबर पे क्या आएगा, एरावत, एरावत के बाद में आता है आपका मिहिर, आई थिंक नहीं परम सिद्धि एआई, परम सिद्धि एआई ठीक है। फिर थर्ड नंबर पे आता है फ्रंटियर फुगाकू, इसके बाद में आता है आपका क्या, फ्रंटियर फुगाकू और समिट, समिट क्या है ये, बिल्कुल लेटेस्ट एकदम अपडेट, मैं आपको आज पढ़ा रहा हूं, कल मैंने चेक किया है, तो मैं ये आपको कल के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, एकदम ये लेटेस्ट डाटा है दोस्तों, इसको हमेशा अपन को अपडेट करके रखना पड़ता है। तो क्या हो गया, फ्रंटियर फुगाकू समिट, और इसके बाद में एक आता है आपका सियारा, तो ये समिट कहां का है, ये भी यूएसए का है, और जो आपका सियारा है ना ये डबल आर आएगा सियारा, ये भी कहां का है, यूएसए का है। और इसके बाद में ध्यान दीजिएगा, यहां पास हो सकता है आपको ना दिखे, सनलाइट, सन वे ट्यून हाइट, सन वे ट्यून हाइट, सन वे ट्यून हाइट, सन वे ट्यून हाइट कहां का है, ये है चीन का, ये है चीन का, सन वे ट्यून हाइट ये कहां का, चीन का है। भारत में सबसे पहला नंबर कौन सा है, एरावत है, परम सिद्धि है, परम सिद्धि के बाद में क्या है आपका, एरावत है, परम सिद्धि है, फिर है आपका प्रत्युष, फिर है आपका तीसरे नंबर पर प्रत्युष, और इसके बाद में क्या आता है आपका मिहिर, फिर चौथे नंबर पे क्या है मिहिर। तो भारत में सबसे टॉप रैंकिंग पे कौन है, सबसे भारत का सबसे फास्टेस्ट क्या है, एरावत, सीडेक ने बनाया है, परम सिद्धि, प्रत्युष और मिहिर। तो ये हो गए हमारे भारत के सीक्वेंस के हिसाब से। और यदि पूछ ले कि इस एरावत की विश्व के 500 सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर में क्या रैंकिंग है, तो आप बताओगे 75th, कितनी है 75th। तो चलिए दोस्तों, हमने आज सुपर कंप्यूटर को बहुत डिटेल में पढ़ लिया है, कुछ भी ऐसा सुपर कंप्यूटर में नहीं बचा है जो आपको मैंने ना पढ़ाया हो दोस्तों। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखने वाले हैं, आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, मेहनत मेरी पसंद आ रही होगी दोस्तों, तो वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करिए। तो चलिए दोस्तों, आज तक की हमारी क्लास, आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं, आप सभी को बहुत बहुत मेरा नमस्कार, गुड बाय।